फरीदाबाद में पिछले एक साल से सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों के लिए कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। एक साल पूरा होने के उपरांत सफाई कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के सामने काली पट्टियों के साथ जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और सीटीएम फरीदाबाद को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी तो इस बार वे एक साल का इंतजार नहीं करेंगे और भूख हड़ताल जैसे कदम भी उठा सकते हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों की रोजी रोटी और रोजगार की मांग को लेकर किया जा रहा है। लगभग एक साल से मैं और मेरा संगठन वीर एकल बेदल, जो पलवल फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं, मैंने एक आरटीआई की कॉपी, एक आधार लगा के मैंने सरकार से मांग की कि आप यदि स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करना चाहते हैं सही मायने में, क्योंकि देश की जनता 0.2% टैक्स स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर दे रही है, तो सही मायने में एडर प्रचार और भाषण को छोड़ के सही मायने में सरकार स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करना चाहती है और सफाई कर्मियों की वीर एकल दल संगठन की मांगों को पूरा करना चाहती है, तो नियमित भर्ती ठेकेदारी प्रथा में ना रह के नियमित भर्ती इन लोगों की सफाई कर्मियों की जाए, इसलिए विरोध प्रदर्शन निरंतर चल रहा है और आज हमने काली पट्टी बांधकर आज हमने इस विरोध प्रदर्शन को किया है। हम तो अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं क्योंकि हम एक साल से यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, ताकि हम पे लाठीचार्ज भी हुआ और हम पे केस मुकदमे भी चल रहा है जिनमें से मेरा भी नाम है, और उसके बावजूद भी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हम फिर भी बैठे हुए हैं इस उम्मीद पे कि ताकि हमें हमारा रोजगार मिल सके, और जब तक हमें हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। रोजी रोटी की मांग है जी। अच्छा, और एक साल से हम लड़ते हुए चले आ रहे हैं, इसके लिए हमने लाठी भी खाई है, डंडे भी खाए हैं और बहुत तरीके की मुसीबतें झेलते आ रहे हैं, धूप में, गर्मी में, सर्दी में। आज हमको एक साल हो गया है, पूरे सर्दी और गर्मी और बरसात हमारे सर पे से गई है बैठे बैठे। हमारे नेताजी ने, जितेंद्र चंद्रिया जी ने दिन रात एक करके यहाँ पे भले अपने खून से भी उन्होंने तीन पत्र लिखे हैं, अपने खून से उन्होंने तीन पत्र सरकार को लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार गूंगी भैरी अंधी है, इनको किसी की कुर्बानी नहीं दिखाई देती। भाई जी, घर तो अपना चल ही रहा है जैसे तैसे करके, अपना गुजारा कर रहे हैं, बस जान है शरीर के अंदर, लेकिन और कुछ नहीं है शरीर में।